हेलो एवरीवन, मैं देवेश, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग पाई चार्ट को फिर आगे लेकर चलेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन के इस पार्ट में हम लोग पाई चार्ट को लेकर चल रहे हैं, उसी को हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि पाई चार्ट का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं एक नया पार्ट लेके फिर आपके सामने आया हूँ। वही है पाई चार्ट, आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन और क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्प्ले होगा। मैं एक्सप्लेन करते चले जाऊंगा, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, पाई चार्ट को देखेंगे ध्यान से। एक भवन के निर्माण में कुल 6 लाख रुपए खर्च हुए हैं। विभिन्न मद में खर्च हुए खर्च को पाई चार्ट में दर्शाया गया है, ठीक है? पाई चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अ टोटल ऑफ 6 लाख स्पेंड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, द एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट आइटम इज शोन इन द पाई चार्ट। आंसर द क्वेश्चन बाय स्टडी द पाई चार्ट। तो आपको पाई चार्ट देखना है, फिर उसका क्या करना है, आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होते चले जाएगा। सॉल्यूशन में किसको बटे के नीचे, किसको बटे के ऊपर लेना है, उसको ध्यान से देखना है, ठीक है? सीमेंट में खर्च की गई धनराशि कितनी है, हाउ मच अमाउंट स्पेंड इन द सीमेंट। तो देखो यहां पर पूरा खर्च कितना दिखाई दे रहा है अपने को, 6 लाख रुपए पूरा खर्च दिखाई दे रहा है। और जो सीमेंट का हिस्सा है, यदि डिग्री में देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा 72 डिग्री। कितना दिखाई दे रहा है वो, 72 डिग्री। और टोटल डिग्रीज कितने हैं वहां पे, 360 डिग्रीज है, होता है टोटल 360 होता है। तो 360 का वो कितना है, 72, तो वो 6 लाख का कितना होगा। तो 6 लाख लेंगे सबसे पहले इनटू, उसके बाद क्या सीमेंट का बोला हुआ है, तो 72 बाई 360। जिसका भी बोलता, लकड़ी का बोलता तो 36 बाई 360 कर देते, मजदूर का बोलता तो 90 बाई 360 कर देते, और हमको जो भी पूछ रहा है वो निकल के सामने आ जाता। ये तो सीमेंट बस एक एग्जांपल है। तो 6 लाख का 72 बाई 360 करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000। तो ऐसा इसको बनाना है। अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन हम लोग और लेके चलेंगे, और बहुत सारे परसेंटेज वाले भी क्वेश्चन आगे चल के करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मजदूरी पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय से कितनी अधिक है, हाउ मच मोर इज द अमाउंट स्पेंड ऑन वेजेस देन ऑन स्टील। मतलब स्टील में जितना भी खर्च हुआ है उससे ज्यादा कितना मजदूरी में खर्च हुआ है आपको बताना है, ठीक है? तो एक चीज इसमें ध्यान से देखो, परसेंटेज निकालना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकेंडरी बोल रहे हैं वो इस्पात पर आए व्यय से, तो इस्पात जो स्टील है वो कितना है, 54 डिग्री है, 54 डिग्री है, स्टील है, ठीक है? और मजदूरी वाला ज्यादा दिखाई दे रहा है, 90 है। तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 90 माइनस 54 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 90 माइनस 54, जो भी आएगा वो उतना ज्यादा है। तो 90 माइनस 54 करेंगे, 36 आएगा, 36 आउट ऑफ 360। क्यों 360 कर रहा हूं, उसका रीजन अभी आगे चल के समझेंगे। हर समय तो मैं ऐसा करता था कि जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसके, उसको हम लोग नीचे ले लेते थे, ठीक है? ऐसा करते थे, इस बात को मैं नीचे ले लेता, लेकिन अभी मैं क्या किया हूं, 360 किया हुआ हूं, 36 बाई 360 इंटू 100। क्योंकि आप ऑप्शन में देखेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन में, तो वहां पर जो भी ऑप्शन है वो कुल व्यय का, टोटल एक्सपेंडिचर का बताना है हमको, 5%, 10%, 12%, 15%, किसका बताना है, टोटल एक्सपेंडिचर का, कुल व्यय का बताना है। इसलिए मैं उसको आउट ऑफ 360 निकाल रहा हूं, इसलिए क्या क्या कर रहे हैं उसको आउट ऑफ 360 निकाल रहे हैं। तो 36 बाई 360 इंटू 100, ये आ जाएगा 10%। तो कुल व्यय का कितना हो जाएगा, वो 10% हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग लेना है, जैसा ऑप्शन में दिया था उसके हिसाब से मैं सॉल्व किया हूं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट, ईंट और रेत में खर्च की गई कुल धनराशि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, ठीक है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड सैंड विद रेस्पेक्ट टू द टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल का वो कितना परसेंट है, तो पहले जो जो दिया उसको जोड़ लो, क्या क्या दिया, सीमेंट, ईंट और रेत, तीनों को जो जोड़ लेते हैं, तो सीमेंट 72, फिर 54, फिर 54, सबको जोड़ लिए तो क्या आ गया, 180 आ गया। कितना आ गया, 180 आ गया। अब जो वो 180 है वो 360 का कितना है, तो 180 बाई 360 इंटू 100 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 50% आएगा, क्योंकि 360 का तो आधा ही तो दिख रहा है, वैसे उसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, जैसे ही वो दिख रहा है आधा है, तो 50% सीधी सीधी बात, ठीक है? तो ये इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं और एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। आप यदि बुक में देखेंगे तो वहां पर एग्जाम का नाम भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
मजदूरी में खर्च की गई धनराशि रेत से कितना अधिक है। ठीक है, हम लोग अभी तीन क्वेश्चन कर लिए, फोर्थ क्वेश्चन है मजदूरी में खर्च की गई धनराशि रेत से कितना अधिक है आपको बताना है। समझते चले जाएंगे, ठीक है, पाई चार्ट है सामने डिस्प्ले हो रहा है आपको, क्वेश्चन ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, कोशिश करेंगे जो सॉल्यूशन यहां पे आने वाला है पहले से आपसे बन जाए। हाउ मच मोर अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन वेजेस फ्रॉम द सैंड, सैंड से कितना ज्यादा मजदूरी में खर्च की धनराशि रेत से कितना अधिक है। ठीक है, तो इसमें धनराशि बताना है अपने को, ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि राशि ही बताना है, तो राशि हमको सबसे पहले जो है अमाउंट है वो 6 लाख से रिलेटेड होगा, तो 6 लाख पहले लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 6 लाख पहले लिख लेंगे। उसके बाद कौन किससे कितना अधिक है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे तो मिल जाएगा, तो 90 माइनस 54 कर लेंगे यहां पे, क्योंकि 90 किसका है मजदूरी है और जो सैंड दिखाई दे रहा है वो 54 है, तो उतना ज्यादा उतना कम पता चल जाएगा, 90 माइनस 54 कर लिए। ठीक है, और आउट ऑफ कितना है वो 360 का है, आउट ऑफ किसका है 360 का है, तो नीचे में 360 लिख लिए। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 6 लाख × 36 / 360, तो 36 / 360 कितना, एक 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो बस कम हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, जो 6 लाख है वो क्या हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। ऑप्शन है क्या देखो 60,000 का, हाँ देखो ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है 60,000, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है और आपसे बनना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि ये कोई नया चीज नहीं है, परसेंटेज पढ़े हैं, रेशियो पढ़े हैं, उसी से ये सब बन जाता है। ठीक है, आपको ये सब नहीं छोड़ना है आपके आने वाले एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजदूरी में खर्च की गई राशि कितनी है, हाउ मच इज द अमाउंट स्पेंड इन वेजेस। देखो ये तो बहुत इजी हो गया है, मजदूरी में सीधा सीधा जो 6 लाख दिखाई दे रहा है हमको, क्योंकि वो टोटल है, मैं ऊपर लिख के रखा हुआ आपको पाई चार्ट के ऊपर, आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल कितना है 6 लाख। अब वो टोटल कहां से मिला हमको, पहले जो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बताया उसमें लिखा हुआ था टोटल, तो 6 लाख है। अब उस 6 लाख का क्या करना है, मजदूरी बोल रहे हैं तो 90, अभी थोड़ा देर पहले जब सबसे पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था तो बताया था कि जिसका बोलेगा उसके ऊपर रखेंगे, नीचे 360 रखेंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। तो 6 लाख का हमको 90 / 360 करेंगे, ये आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मेन कंफ्यूजन तो हमको परसेंटेज वाला में होता है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमेंट ईंट और रेत में खर्च की गई कुल धनराशि कितनी है, सीमेंट ईंट और रेत में खर्च की गई कुल धनराशि कितनी है। इससे पहले कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा अलग था वो। ठीक है, तो अभी कुल धनराशि की बात कर रहा है वो, अब फिर से कुल धनराशि की बात कर रहा है मेरे, मतलब जो 6 लाख वहां पे लिखा हुआ है उसका जरूरत पड़ने वाला है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे 6 लाख को लिख लेंगे, सबसे पहले हम लोग 6 लाख को लिख लेंगे, उसके बाद सीमेंट ईंट और रेत तीनों को जोड़ लिए, फिर से पहले तो जोड़े हुए हैं, 180 आ गया आउट ऑफ 360, 180 आउट ऑफ 360 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 लाख। सीधी सीधी बात है, 6 लाख का आधा कितना होता है 3 लाख होता है, क्योंकि ये 180 है 50% है, तो सीधा सीधा आधा हो जाएगा, कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे दिया हुआ है ईंट में खर्च की गई धनराशि कितनी है, ईंट में जो हम लोग खर्च कर रहे हैं वो कितना है टोटल का आपको बताना है। अभी इस ऐसे टाइप का क्वेश्चन बीच बीच में मैं डाल रहा हूं ताकि आपको माइंड में क्लिक करते रहे। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड इन ब्रिक्स, कभी कभी मैं इंग्लिश में जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना भूल जाता हूं, तो आप लोग ध्यान देंगे कि ऊपर में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत, कभी कभी ही बोलता हूं। ठीक है, चलिए यहां पे क्या दिया हुआ ईंट का, तो 6 लाख को पहले ले लेंगे, 6 लाख को लिख लेंगे, फिर ईंट का बोला है तो 54 आउट ऑफ 360 अगेन, अब तो याद हो गया होगा कि कैसे इसको करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, पाई चार्ट बहुत ज्यादा ईजी है, एग्जाम्स में कभी कभी हम लोग इसको फालतू ही छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और क्या दिया हुआ है। देखो इधर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, ध्यान से इसको समझना है। यदि सीमेंट में 1,60,000 रुपए खर्च किया गया है, अभी जो टोटल अमाउंट दे रहा था 6 लाख रुपए, मैं उसको हटा दिया हूं क्योंकि ये इफ यदि वाला स्टेटमेंट डाल दिया तो वो इनवैलिड हो गया। ठीक है, 1,60,000 रुपए खर्च किया गया है, तो ईंट में खर्च की गई धनराशि कितनी होगी। ठीक, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द सीमेंट इज रुपीज 1,60,000, देन व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड इन ब्रिक्स, उसके अकॉर्डिंग हमको बताना है, अभी सीमेंट के अकॉर्डिंग बताना है। तो 1,60,000 है अमाउंट, उसको लिख लिया पहले, उसके बाद वो किसमें खर्च कर रहा है, सीमेंट में खर्च कर रहा है, तो उसको सीमेंट वाले जो डिग्री है उससे डिवाइड करें तो हमको 1 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई हम लोग 72 कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 डिग्री का वैल्यू मिल गया।
अब एक डिग्री का वैल्यू मिल गया तो जो भी पूछेगा नेक्स्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहां पे आप पूछ रहे हैं ईंट में खर्च की गई धनराशि कितनी है, तो ईंट आपको कितना दिखाई दे रहा है, देखो 54 डिग्री दिखाई दे रहा है, 54 से मल्टीप्लाई कर लिए। यदि कुछ और पूछता तो उससे मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। तो 160,000 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 54, यहां से आ जाएगा ये 120,000, 1,20,000। कोई दिक्कत नहीं है, 18 का आप लोग टेबल पढ़ेंगे, जनरली ऐसा डिग्री वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 18 का आपको टेबल याद रहेगा, तो बहुत सारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 18 का टेबल याद होना चाहिए, वैसे आपको टेबल याद करना चाहिए, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि इस पाठ में खर्च की गई धनराशि 1,50,000 रुपए है, यहां पे लिखा हुआ है 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए है, तो मजदूरी में कितनी धनराशि खर्च हुई है। इफ द अमाउंट स्पेंड इन स्टील इज 1.5 लाख, सो हाउ मच अमाउंट हैज बीन स्पेंड इन वेजेस, वेजेस में कितना खर्च किया गया आपको बताना है। फिर से ये सिनेरियो था, अभी थोड़ा सिनेरियो को फिर से चेंज कर दिया वो, ठीक है। तो वही है 1,50,000 लिख लेंगे। अब वो किसका बता रहा है अमाउंट हमारे, हमको स्पात का बता रहा है, और स्पात का जो स्टील का वो है कितना दिखाई दे रहा है, देखो 54 डिग्री दिखाई दे रहा है, 54 से डिवाइड कर लिए। ऐसा करने से क्या मिल गया हमको, 1 डिग्री का वैल्यू, 1 डिग्री का वैल्यू मिल गया। आप उसको किससे पूछा हुआ है, वो मजदूरी में कितनी धनराशि खर्च की गई है, तो मजदूरी का ले लेंगे, 90 है, 90 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। तो वैसा ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट को यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो क्वेश्चन में कुछ भी वो घुमा के दिया रहेगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा ये जो पीडीएफ मेरे हाथ में है, पीडीएफ जिसको मैं प्रिंट किया हूं, जो मेरे हाथ में है, आप जल्दी से जल्दी मैं इसको वेबसाइट में डालूं, आप वहां से फिर डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो कितना भी वो रहे, एक बार हाथ में रहता है कि जब भी मोबाइल में फट से इसको देख लिए तो बन जाता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं इसको जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा मेरी वेबसाइट mathd.in पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये इस पाई चार्ट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखेंगे। यदि लकड़ी में खर्च की गई धनराशि 70,000 रुपए है, तो भवन के निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ है। इफ द अमाउंट स्पेंड इन वुड इज ₹70,000, देन हाउ मच इज द टोटल एक्सपेंडिचर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। अभी देखो क्या दिया हुआ है, लकड़ी का दिया हुआ है, और लकड़ी का यहां पे कितना है डिग्री, देखो 36 डिग्री है, 70,000 दिया हुआ है अमाउंट, और डिग्री में वो कितना है 36 है, तो 70,000 डिवाइडेड बाई 36 क्यों करेंगे, एक डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए, तो एक डिग्री का वैल्यू हमको अब मिल गया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भवन निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर। अभी यहां पर कहीं पे टोटल तो लिखा नहीं हुआ है पाई चार्ट में, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सब डिग्रीज को अब एड करेंगे तो क्या मिलेगा, 360 मिलेगा, तो किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको, 360 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा टोटल कितना खर्च हुआ। तो इसके हिसाब से यदि इसको हम लोग लेकर चलें बेस, तो ये मिल जाएगा 7 लाख, 7 लाख रुपए खर्च हुआ, ठीक है। तो ऐसा ही है, क्वेश्चन में कभी कभी वो बदल देता है, ज्यादा ज्यादा पाई चार्ट में चार पांच ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैं तो बहुत सारे से बता रहा हूं, क्योंकि जितने भी वैरायटीज हो सकते हैं मैं कोशिश की हूं बहुत सारा बताऊं। अगले वाले पाई चार्ट में तो जब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट, तो उसमें लगभग 16-17 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो हर एक चीज को मैं टच करने का कोशिश किया हूं कि जो भी क्वेश्चन आ सकता है वो छूटे मत। पाई चार्ट के इस सेक्शन में, इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, फिर इसको और आगे लेके चलेंगे और नए पार्ट्स में आपको फिर नए क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहिए, देखते रहिए। मैं जल्दी से जल्दी इस पीडीएफ को उसमें डालने का कोशिश करूंगा, वेबसाइट में आपको मिल जाएगा mathd.in पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करते रहिए, जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहां भी जिस भी कोचिंग में जाते हैं, बिल्कुल सभी को बिल्कुल शेयर कीजिए,